दोस्तों अपने त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ के तो दर्शन हो गए हैं। त्र्यंबकेश्वर में एक खास बात है कि पूरा मंदिर ब्लैकस्टोन से बना हुआ है और वहाँ पे सिर्फ आपको भोलेनाथ के ही दर्शन नहीं होते बट तीन पिंडी स्वरूप में आपको विष्णु भगवान के और ब्रह्मा जी के भी दर्शन हो जाते हैं। साथ ही साथ आज जिस टाइम पे हम लोग गए थे तकरीबन 12 बजे के आसपास, तो वहाँ पे VIP की भी लाइन काफी ज्यादा लग चुकी थी जिसके कारण हमें VIP की टिकट नहीं मिल पाई क्योंकि उन्होंने काउंटर बंद कर दिया था कि VIP में ही काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। तो हमें नॉर्मल लाइन से जाना पड़ा। नॉर्मल लाइन से आज हमें दर्शन करने में कम से कम 2.5 घंटे लग गए बट कोई बात नहीं, मगर आनंद आ गया दर्शन करके। ऐसे दर्शनों का भी आनंद बहुत ही दुर्लभ होता है। और उसके बाद में उन्होंने खैर VIP की लाइन तो खोल दी थी, तो इसलिए आप भी अगर VIP के दर्शन करना चाहते हैं तो आकर पहले नंबर पे आप VIP की स्लिप जरूर कटवा लीजिए। 200 रुपये पर पर्सन वो लोग चार्जेस लेते हैं, ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, अलग तरीके से वहां से एंट्री हो जाती है, आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम निकल चुके हैं भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर से भीमशंकर की तरफ। ये सारा पहाड़ी रास्ता ही है, यहाँ पे आपको 50 से ज्यादा की स्पीड नहीं रखनी चाहिए। मेरी कार भी थोड़ी कभी कभार 60 पे हो जाती है बट मैं उसको फिर से 50 के आसपास ही लेके आ रहा हूँ। 150 किलोमीटर का रास्ता है, GPS अपना जो है 4 घंटे दिखा रहा है बट तकरीबन मेरे ख्याल से अगर 50 की भी स्पीड मान के चलेंगे तो भी 3 घंटे में अपना रास्ता कवर हो जाना चाहिए क्योंकि 50 की स्पीड से ज्यादा यहाँ पे जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसमें कार को कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कार इधर उधर होने लगती है, तो इसलिए आप थोड़ी सी स्पीड को कंट्रोल में ही करके चलिए। ये देखिए मेरी भी 50 के आसपास की स्पीड है और ये देखिए कितने शार्प टर्न्स इसमें आपके पास में आते रहते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे एक बार सेकंड गियर डाल दिया हमने, सेकंड गियर में ही चढ़ाई कर देते हैं ये वाली क्योंकि भोलेनाथ का हमने ये सोच रखा है कि देखिए वहां पे लिखा हुआ है टाइम भीमशंकर का कि रात के 8 बजे भीमशंकर मंदिर क्लोज हो जाता है बट हमने और भी साइट्स वगैरह पे देखा था तो वहां पे 9:30 बजे का टाइम दे रखा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हैं साथ में कि चलिए दर्शन करने चलते हैं। भोलेनाथ की कृपा हुई तो आज ही 8 बजे तक अपनी एंट्री वहां पे हो जाएगी, तो एक बार एंट्री हो गई फिर तो आपको दर्शन मिल ही जाएंगे। तो हम ये एक छोटा सा रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हैं, अगर 8 बजे से लेट हो गए तो हमें आज दर्शन नहीं मिल पाएंगे, हमें कल दर्शन मिल पाएंगे। तो कोई बात नहीं, जैसी भोलेनाथ की इच्छा होगी हम वैसे दर्शन कर लेंगे, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आज ही हमें भीम शंकर के भी दर्शन करवा दें ताकि हम कल शनिदेव श्रीनापुर के दर्शन हम कल कर लें। ये रास्ता काफी छोटा है, यहाँ पे कोई ट्रक्स और बड़ी व्हीकल्स वैसे कोई नहीं है, सिर्फ कार ही कार्स दिख रही है, मेनली महाराष्ट्र की कार्स दिख रही है, दिल्ली की कार कम ही रहती है, लोग दिल्ली से कार कम ही लेके आते हैं, ट्रेन से आते हैं या फ्लाइट से आ जाते हैं, ये तो हम ही जैसे बंदे हैं जो अपनी कार लेके आए हैं दिल्ली से। बट कार का भी एक अलग ही आनंद है, आप जहां मर्जी रोकिए, जैसा मर्जी जहां जाइए, जो मर्जी होटल में ठहरिए, सब चीज बहुत आसान होता है और जो कार नहीं लेके आते उनको देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है। ये देखिए इस तरीके से ये रास्ता पूरा बना रखा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट साइड। इसमें जिस तरीके से कार जब ऊपर जाती है तो पता नहीं चलता कि सामने का जो रास्ता है वो स्ट्रेट पे नीचे जा रहा है या तुरंत टर्न कर दिया है राइट पे। इसी के कारण इस रास्ते पे थोड़ी सी आपको दिक्कत जरूर फेस करनी पड़ेगी बट कोई बात नहीं, आप यही रास्ते पे रात को ट्रेवल मत करिए। रात को आपको अभी देखिए इस टाइम पे जो कि दिन के बज रहे हैं 4 बजे के आसपास भी ये रास्ता इतना ज्यादा सुनसान टाइप दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं कि रात के टाइम पे ये रास्ता कैसा लगेगा। अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं फिर तो आपको रात को बिल्कुल भी इस रास्ते पे ट्रेवल नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से हम गुजरात से आ रहे थे, गुजरात से तुरंत एक रास्ता नासिक के लिए मुड़ गया था, टर्न हो गया था, उसके बाद में हमें कोई भी गेस्ट हाउस या होटल अच्छा सा नहीं मिला था, वो सीधा हमें त्र्यंबकेश्वर पर ही मिला है। बीच में कोई खास ऐसे गांव बहुत ज्यादा आबादी वाले आए भी नहीं। तो अगर आपको बहुत अच्छा होटल चाहिए तो फिर आप त्र्यंबकेश्वर से ही पहले जो नासिक का जो मेन हाईवे है वहां पर भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है त्र्यंबकेश्वर पे आके ले सकते हैं, रूम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो होटल वाले हैं वो सब लोग अच्छे हैं, अच्छे पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ पे टेम्परेचर तो पूरा ही है,
बट उतना ज्यादा भी नहीं है, मगर कोशिश करिए त्रिमकेश्वर में आने से पहले। जैसे कि हमें यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे बुकिंग फुल चलती है, हमेशा ही बुकिंग फुल चलती है, तो हमें यहाँ पे 1800 रुपये का नॉन एसी का रूम दे रहे थे। तो हमने कहा नहीं भाई, नॉन एसी का रूम हमें 1800 में नहीं चाहिए। बाई चांस की बात थी, अपने को रात के 12 बज चुके थे, तो अपनी गाड़ी सीधा मंदिर के प्रिमाइस के वहीं पर ही चली गई थी। जो बैरियर्स लगे होते हैं वो खुले होते हैं उस टाइम पे, तो मंदिर के पास में चली गई थी कार। जब मंदिर के पास में चली गई तो वहाँ पे बाई चांस भोलेनाथ ने अपनी कृपा करी और हमें जो है 1500 रुपये का एक एसी रूम मिल गया। रूम ठीक ठाक था, रूम में कोई कमी नहीं थी। बाकी आप थोड़ा सा टाइम से पहले आएंगे तो आपके पास में और सर्च करने के ऑप्शन रहते हैं, मगर 1800 रुपये में नॉन एसी रूम तो बहुत ज़्यादा महंगा था। ये डिमांड का फ़ायदा उठा रहे थे यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें नोट करके चलनी है। बाकी एक और होटल है जो आपको तकरीबन 4 स्टार के आसपास का होटल है यहाँ पे, बहुत की जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसका नाम है मेरे ख्याल से ट्री लीफ। यहाँ पे वो भी हमने होटल देखा था, बट उन्होंने कहा कि जो है अगर आपकी पहले से ही बुकिंग होती हम आपको तभी अलाउ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2 ही रूम खाली हैं, उसके अलावा कोई रूम भी खाली नहीं है हमारे पास में, और 2 रूम भी जो खाली हैं वो गेस्ट्स आ रहे हैं आज रात को ही, तो इसलिए वहाँ पे हमें रूम नहीं मिल पाया। तो चलिए अब हम भीमशंकर की तरफ निकल चुके हैं, और अपना जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 3 घंटे 47 मिनट हो चुका है, 3 hours 47 minutes। तो चलिए दर्शन करते हैं भीमशंकर भगवान जी के। तकरीबन 230 या 250 सीढ़ियां वहां पे भीमशंकर की चढ़ाई में है, तो मगर बहुत ही अच्छी बनी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बनी हुई है। अब अगर बच्चे बच्चे के साथ में भी हैं आप उसको भी आराम से लेके चढ़ सकते हैं, मतलब हमने फोटोज में देखा है। बाकी तो एग्जैक्ट जाकर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके की वहां पे जो सीढ़ियां बनी हुई हैं। बस अपना टारगेट यही है हम टाइम से पहुंच जाए आज, ताकि भीमशंकर के भी दर्शन हमें हो जाइए। देखिए बहुत ही शानदार पहाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भोलेनाथ का ही शिवलिंग का स्वरूप ये पहाड़ है। ये पहाड़ साथ साथ में इसके आसपास ही चल रहे हैं हम भी, और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, ये आपकी यहाँ पे सामने गोदावरी नदी हमारे साथ साथ में चल रही है, सॉरी हम उनके साथ साथ में चल रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ से नज़ारा, अगर कार से दिख पाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वहां से दिखाई देगा ये नज़ारा, इसमें से अभी इतना क्लियर नहीं आ रहा था। वो देखिए सामने दोस्तों गोदावरी नदी आपको सामने दिख रही है, कार में से डायरेक्टली नहीं दिख रहा था तो मैंने सोचा कार को रोक के आराम से मैं ये नज़ारा कैसे मिस कर सकता हूँ। कितना लाजवाब सुंदर बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ पे मन करता है कि अपनी चेयर लगाओ और आराम से आप इस नज़ारे का आनंद लो। मगर दोस्तों अब हम जा रहे हैं भीमशंकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और हम हो रहे हैं थोड़े से लेट, तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अपना बाकी रूम सर्विस वगैरह जो अगर बात करी जाए तो जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे तो खैर नहीं थी रूम सर्विस वगैरह, बाकी अगर आप अच्छे और होटल में लेंगे तो आपको रूम सर्विस भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। मगर हमें तो ये था कि भोलेनाथ ने इस जगह जो कि भोलेनाथ का पावन धाम है वहाँ पे 1500 रुपये में भी हमें रूम दिलवा दिया, तो बहुत बड़ा उन्होंने हम पे एहसान करा है कि कल रात को उन्होंने अपने पावन चरणों में हमें विश्राम करने का मौका दिया। तो क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ के द्वार में सभी लोग गरीब हैं, भोलेनाथ से अमीर कोई भी नहीं है। अगर आप लोग ये सोचें कि कोई भी इंसान अमीर है और उसको 4 स्टार से कम में नहीं रहेगा या ये वो ऐसा कुछ रहे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको जो भी रूम मिल रहा है आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको दर्शन करने हैं, दर्शन करने के लिए आपको जो भी रूम मिल रहा है वही आप अमृत स्वरूप लेके उसको भोलेनाथ का आशीर्वाद मान के और दर्शन करिए जिस तरीके से हमने दर्शन करे। आनंद आ गया दर्शनों का, और वहाँ पे
जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा मिरर लगा रखा है। मिरर में पूरे ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा बहुत क्लियरली आपको नजर आती है, आपको मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आएगी, आनंद आ जाएगा दर्शनों का। उसके बाद बाहर भी एक शिवलिंग उन्होंने रखा हुआ है जिसमें थोड़ा सा वहां पे जल भरा हुआ है, उस जल के आसपास में तीनों प्रतिमाएं हैं, वहां पे लोग हाथ लगा के वहीं पर ही आशीर्वाद ले रहे थे क्योंकि मेन जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे तो अंदर ये लोग नहीं जाने देते हैं। और अब एक मिनट जरा हम थोड़ा सा ओवरटेक कर ले और आराम से चलाइए कार, ज्यादा हड़बड़ी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई ने रास्ता तो दे दिया है बट भाई को कैसे बताएं कि हम थोड़ा सा और आराम से चलाना चाह रहे हैं। अभी ये इस रास्ते पे पहला टेम्पो ये अब दिखा है मुझे, नहीं तो तब से कम 15-20 मिनट हमें अपने को ड्राइविंग करते हुए हो गए हैं मगर तब तक कोई टेम्पो वगैरह नहीं दिखा था। रास्ते में छोटे मोटे गेस्ट हाउस वगैरह आ जाते हैं, आपके खाने वाने का जो जगहें हैं वो थोड़ी बहुत आ जाती हैं बीच में, ज्यादा जगहें इतनी नहीं है। ये यहाँ से अपने को दोस्तों पूरा नज़ारा गोदावरी नदी का बहुत क्लियरली दिख रहा है, आप देखिए और दर्शनों का लाभ उठाइए। दोस्तों अभी अपने पास में थोड़ी टाइम की कमी है, नहीं तो मैं एक तरफ कार को लगा के आपको बहुत अच्छे तरीके से ये दर्शन करा देता यहाँ के भी, क्योंकि अपने को तुरंत से तुरंत भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए पहुंचना है क्योंकि आज मेरे मन में बहुत ज़्यादा लालसा है, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन करके मन बिल्कुल नहीं भरता है और मन ललचाता रहता है कि दर्शन करने को और मिलते चले जाएं, तो इसलिए अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बस भीमा शंकर के भी आज दर्शन मिल जाए तो रात को आराम से सुखी सुखी बहुत बढ़िया नींद आएगी। ये देखिए रास्ता तो अच्छा है, रास्ता ठीक है बट गांव आते रहते हैं बीच में, इसलिए थोड़ा सा ड्राइव स्लो ही करिए, डू नॉट ड्राइव फास्ट। ये देखिए इस तरीके से गांव की जो लोग हैं वो अपने सर पे लकड़ियों का ढेर लगा के लेके जा रहे थे, तो आराम आराम से चलाते रहिए। मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो डाल दी थी जिसमें थोड़ा सा स्पीड हाई हो गई थी कल रात को बट कार कंट्रोल में आ गई एकदम, मेरी गलती थी वो, भोलेनाथ ने तुरंत कार को कंट्रोल में ले आए, तो इसलिए अब उस गलती से मैंने सीख ले ली है। आप भी उस गलती से आप भी सीख लीजिए और इस रास्ते पे आप और किसी जो रास्ता है, एक मिनट ये देखिए ये आ गया है आपका घाटी नासिक 32, कोई बात नहीं अपने ने तो ये लगा रखा है राइट में मुंबई, मुंबई की तरफ यानी कि गाड़ी काटनी है अपने, क्योंकि ये भी अपने को राइट ही टर्न दिखा रहा है। राइट टर्न हमने ले लिया और ये देखिए अब यहाँ से मैं कहा मुंबई की तरफ ही लेना है, बीच में रास्ता वगैरह कट जाएगा बढ़िया सा, तो चलिए आइए मिलते हैं और ड्राइव सेफ ऑन दिस रोड एंड भोलेनाथ की जय, बोलो हर हर महादेव। दोस्तों अब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार में एंटर कर रहे हैं, हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी, तब तक मंदिर बंद हो चुका था। इस मंदिर की दोस्तों एक बहुत विशेष खास बात है, इसमें यह है कि ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ऐसा ज्योतिर्लिंग नहीं दिखेगा जहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात रूप से विराजमान हो। यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन आपको हो जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर हल्का सा कट है यानी कि जो कि डिनोट करता है एक तरफ भोलेनाथ को और एक तरफ माता पार्वती को। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, कि जब भी आप भोलेनाथ भीमा शंकर के दर्शन करने जाएं तो अर्ली मॉर्निंग की आरती में ही आप जरूर दर्शन करें, जो कि तकरीबन 5 बजे सुबह होती है, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर भोलेनाथ के शिवलिंग को चांदी के कवच से ढक दिया जाता है। आइए दोस्तों अपनी वीडियो के समापन में एक भोलेनाथ का जयकारा लगा देते हैं, आप भी हमारे साथ में भोलेनाथ का जयकारा लगाइए, बोलिए हर हर महादेव।